बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पॉलीसाइफोनिया इंट्रोडक्शन एंड आई एम शकील अहमद, लेक्चर बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मुल्तान। तो पॉलीसाइफोनिया के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। पॉलीसाइफोनिया इज अ मेंबर ऑफ रोडोफाइटा एंड द कॉमन नेम ऑफ रोडोफाइटा इज रेड एल्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन। द डिवीजन ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज रोडोफाइटा। इट्स क्लास इज फ्लोरिडियोफाइसी एंड इट्स ऑर्डर इज सर्मियेलस एंड इट्स फैमिली इज रोडोमिलेसी एंड इट्स जीनस इज पॉलीसाइफोनिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स हैबिटेट, अक्रेंस और हैबिटेट। इट इज अ मरीन एल्जी, दे आर फाउंड ओनली इन मरीन एनवायरमेंट। Marine environment is that environment, it is aquatic environment in which concentration of salt are high. It is found as lithophyte as well as epiphytes. Lithophytes kya hote hain? Ke wo plants jo rocks ke sath attach hote hain unhe hum lithophytes kehte hain, aur aise plant jo other plants ke sath attach hote hain unhe hum epiphytes ka naam dete hain. लिथोफाइट्स की एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया इलोंगेटा, और एपिफाइट्स की जो एग्जांपल है वो है पॉलीसाइफोनिया अनसियोलेटा, और इसकी तकरीबन नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो 10 है पॉलीसाइफोनिया की। और इसका जो सबस्टेटम है वो रॉक है। इन केस ऑफ एपिफाइट्स इनका जो होस्ट है वो है लैमिनेरिया। तो ये कुछ बातें थी इसकी अकरेंस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे इसका प्लांट बॉडी, इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो ये यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें हमारे पास जो ये लोअर पोर्शन है यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये जो सिस्टम है इसको हम जो है वो प्रोस्टेट सिस्टम का नाम देते हैं, जो आपको हॉरिजॉन्टल पोजिशन में नजर आ रहा है, और जो आपको ये वर्टिकल पोजीशन में नज़र आ रहा है इसको हम इरेक्ट सिस्टम कहते हैं, इसको हम जो है वर्टिकल सिस्टम भी कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है इसको हम जो है वो प्रोस्टेट सिस्टम का नाम देते हैं। प्रोस्टेट सिस्टम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, नंबर वन राइजॉइड, नंबर दो अटैचिंग डिस्क। तो फर्स्ट पोर्शन जो है उसको हम कहते हैं अटैचमेंट डिस्क, और अटैचमेंट डिस्क के साथ जो हैं वो क्या होते हैं, राइजॉइडल फिलामेंट्स होते हैं। अब ये जो राइजॉइडल फिलामेंट्स होते हैं ये जो है किसके साथ अटैच होते हैं, दे आर अटैच विद अटैचमेंट डिस्क। और इस तरह का जो सिस्टम होता है जिसमें अटैचमेंट डिस्क भी पाई जाती है और जिसके अंदर ये राइजॉइडल फिलामेंट भी पाए जाते हैं उसको हम प्रोस्टेट सिस्टम का जो है वो नाम देते हैं। अब ये जो राइजॉइड्स होते हैं दीज आर नॉन सेप्टेट, कि इनके अंदर कोई क्रॉस वॉल नहीं होती, इनके अंदर कोई सेप्टम जो है वो नहीं होता, और ये क्या होते हैं, ये नॉन सेप्टेट होते हैं। इनकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर के अराउंड होती है, और दे आर अराइज फ्रॉम पेरिक्लाइनल सेल्स। पेरिक्लाइनल सेल्स क्या होते हैं, पेरिक्लाइनल सेल्स पेरिसेंट्रल सेल, पेरिसेंट्रल सेल्स आर दो सेल्स दैट आर अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। यहाँ पर ये डायग्राम अगर आप देखें तो हमारे पास ये सेंट्रल एक्सिस है, मेन एक्सिस के अंदर जो है ये सेंट्रल पोर्शन में होता है, और इसके जो इर्द गिर्द आपको सेल नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं पेरिसेंट्रल सेल्स। ये जो पेरिसेंट्रल सेल्स हैं इनसे जो है वो राइजॉइड जो है अराइज होते हैं, और इनका जो कलर होता है वो ब्राउन रेड टू डार्क रेड होता है, डार्क पर्पल रेड इनका कलर होता है। और उसके अलावा इनका जो फंक्शन है राइजॉइड का फंक्शन है कि दे हेल्प टू अटैच विद सबस्टेटम लाइक रॉक और सॉइल।
उसके बाद जो हमारे पास इसका जो प्लांट बॉडी है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, इसकी जो सेकंड इम्पोर्टेंट जो इसका पोर्शन है उसको हम कहते हैं वर्टिकल सिस्टम। उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल सिस्टम कहते हैं। और इस तरह से हमारे पास जो ये वर्टिकल सिस्टम है, इसमें हमारे पास वो पोर्शन आ जाता है जो कि इरेक्ट सिस्टम भी कहते हैं उसको, और इसको हम जो है वो वर्टिकल सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंदर जो चीजें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें हमारे पास ये मेन एक्सिस होता है जिसको सेंट्रल एक्सिस का नाम भी देते हैं। अच्छा जी, तो इसके अंदर जो है जो ये सेंट्रल एक्सिस है ये क्या होता है? पॉलीसाइफोनस होता है और ब्रांच्ड होता है, यानी कि इसके अंदर जो है लार्ज नंबर ऑफ साइफोन होते हैं। यानी कि साइफोन किसे कहते हैं कि जो एक रो होती है फिलामेंट्स की, जैसे ये वाली रो हो गई, इस पूरे को हम साइफोन कहेंगे, ये वाली रो हो गई फिलामेंट की, इसको भी हम साइफोन कहेंगे। तो साइफोन जो है क्या होता है, ये इसमें जो है ये पॉलीसाइफोनस होता है कि इसके अंदर फिलामेंट्स की बहुत सारी रोज होती हैं और ये ब्रांच्ड भी होता है। और इसमें जो इसका सेंट्रल एक्सिस है वो इट इज मेड अप ऑफ साइफोन, इसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल एक्सिस इज सराउंडेड बाय अनदर साइफोन दैट इज कॉल्ड पेरी सेंट्रल साइफोन। यहां पर आप देख सकते हैं पेरी सेंट्रल साइफोन जो कि सेंट्रल साइफोन के इर्द गिर्द जो है मौजूद है। इसी तरह से जो साइफोन है दैट इज रो ऑफ फिलामेंट देयर दैट आर ऑन सेम पोजिशन मीन पैरेलल, और ये एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल होते हैं। जिस तरह से हम बात करें कि ये एक साइफोन है, ये दूसरा साइफोन है, ये तीसरा साइफोन है, अब ये इनकी पोजिशन भी सेम है और ये एक दूसरे के पैरेलल है। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर जो है एक जो साइफोन है, आपस में इनके जो होते हैं फिलामेंट वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, किसके जरिए? पिट कनेक्शन के जरिए जो है ये अटैच होते हैं। और इसमें हमारे पास जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस की भी जो है वो दो टाइप्स होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं ब्रांचेस की टाइप्स। ये इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये जो ब्रांच है इसको हम जो है वो ये वाली ब्रांच, इसको हम कहते हैं ये लार्ज ब्रांच होती है, यहाँ से ये पोर्शन इसका कट है, और ये भी लार्ज ब्रांच है शॉर्ट ब्रांच, जबकि जो लार्ज ब्रांच से निकल रही है इसको हम जो है वो शॉर्ट ब्रांच का नाम देते हैं। अच्छा, जो लार्ज ब्रांच होती है ये होती है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, और जो शॉर्ट ब्रांच होती है ये होती है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो लॉन्ग लार्ज ब्रांच है या ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये जो है वो पॉलीसाइफोनस होती है, इसके अंदर बहुत सारे साइफोन होते हैं, जबकि जो शॉर्ट ब्रांच होती है या ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है ये होती है मोनो साइफोनस और ये फोर्कड होती है। आप देखें ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, फोर्कड होती है। इसी तरह से जो लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचे हैं उनको हम जो है वो ट्राइकोब्लास्ट का नाम भी देते हैं, और इसी तरह से जो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती हैं ये जो है वो मेन एक्सिस के साथ इनकी सिमिलैरिटी होती है। तो उसके अलावा एक और चीज हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस लाजमी करेंगे, वो है कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट क्या होते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे ये हमारे पास एक सेंट्रल साइफोन है, सेंट्रल साइफोन के बाहर पेरी सेंट्रल फिलामेंट है, पेरी सेंट्रल फिलामेंट के बाहर भी कुछ फिलामेंट पाए जाते हैं जिनको हम जो है वो कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट का नाम देते हैं। कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट क्या होते हैं? कवरिंग अराउंड दी मेन एक्सिस इन दी बेसल पोर्शन ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज कॉल्ड एज कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट। तो इस लेक्चर को देखने के बाद, सुनने के बाद जो है हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम जो है इन चीजों को डिस्कस कर सके, कौन कौन सी चीजें हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसाइफोनिया, इसकी अकरेंस, और लिथोफाइट्स क्या होते हैं, एपिफाइट्स कौन से होते हैं, लिथोफाइट्स की एग्जांपल, एपिफाइट्स की एग्जांपल, वर्टिकल सिस्टम क्या होता है, प्रोस्टेट सिस्टम किसे कहते हैं, अटैचमेंट डिस्क क्या होती है,
राइजोइडल फिलामेंट क्या होते हैं, शॉर्ट ब्रांचेस कौन सी हैं, लॉन्ग ब्रांचेस कौन सी हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, साइफोन किसे कहते हैं, कॉर्टिकेटिंग फिलामेंट क्या होते हैं, ट्राइकोब्लास्ट किसे कहते हैं, सेंट्रल एक्सिस किसे कहते हैं और पेरी सेंट्रल फिलामेंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, आपने नोट करनी है ये वाली एक्सिस वाली, यहाँ पर ए एक्स आई एस आएगा यहाँ पे, तो इसको आप जो है वो अच्छी तरह से सुनिएगा और इसमें जो है कोई अगर कमी बेशी रह गई हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताना है। और आई होप सो कि आपको ये समझ भी आएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।